हेलो गाइस, मैं हूँ सार्थक पंचाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाउ डू दिस बाय सार्थक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वा रहा हूँ कुछ एंड्रॉयड कैमरा एडिटिंग ऐप्स के बारे में जो कि बहुत अच्छी है। तो चलिए, मैं आपको डाउनलोड करके नहीं बताऊँगा, सिर्फ उसके वो नाम और सर्च करके बताऊँगा। कुछ डाउनलोड भी किया है तो डेमो भी बताऊँगा। तो अगर आपको कार्टून वाली वेब चाहिए तो सर्च कीजिए मोमेंट कैम, ये एक ऐप है। ये रहा वो, देख सकते हैं आप इसका पूरा नाम और वो सब। ये 50 मिलियन डाउनलोड्स है और 4.2 रेटिंग्स है। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये एक ऑनलाइन ऐप है, यानी कि इसको चलाने के लिए आपको नेट चाहिए होगा। इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे कार्टून्स के फ़ोटो बना सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड की हुई है तो मैं आपको इसका बताऊँगा एडिटिंग रिज़ल्ट। तो ये देखिए आप, इसकी मदद से मैंने कुछ फोटोज़ बनाई है। ये देखिए, ये ऐसे हम GIF इमेजेस बना सकते हैं। इसमें हजारों टाइप्स की वो कार्टून्स की इफ़ेक्ट आती है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी बनाई है। तो ये था, दूसरी भी एक कार्टून की ऐप है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सर्च करिए कार्टून और ये आ गया कैमरा। सो ये जो फर्स्ट है उस पर आप वो डाउनलोड कर दीजिए। इसकी साइज़ बहुत छोटी है, ओनली अबाउट 1 MB। ये भी मैंने इंस्टॉल की हुई है। ये भी 10 मिलियन और 4.2 रेटिंग्स है। ये भी अच्छा ऑप्शन है कार्टून इफेक्ट के लिए। इसकी भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसकी मदद से ये मैंने अपनी एक पिक निकाली है। ये इसकी मदद से अच्छी कार्टून की एडिटिंग हो जाती है। तो ये थी दूसरी ऐप। अब मैं बताने वाला हूँ तीसरी ऐप के बारे में, जो एक प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए बहुत अच्छी ऐप है। तो इसके लिए आपने शायद अपने फ़ोन में डाउनलोड की होगी ये पिक्सआर्ट स्टूडियो। ये एक बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये तो 100 मिलियन डाउनलोड्स और 4.4 रेटिंग है। सो दिस इज़ वेरी बेस्ट ऑप्शन। ये भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। सो इसकी मदद से मैं अपनी एक एडिटिंग फ़ोटो बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने कुछ लेयर इस्तेमाल करके ये फ़ोटो एडिटिंग की है। आप भी ऐसे बना सकते हैं इसकी मदद से। तो हम आगे बढ़ते हैं चौथी ऐप की। ये ऐप स्पेशली इफ़ेक्ट्स देने के लिए है, जिसका नाम है पावर कैम। ये रहा, ये जो फर्स्ट है उस पर टैप कीजिए। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये फ़ोटो सिर्फ कई तरह की वो इफ़ेक्ट्स के लिए ही बनाई गई है। ये इसमें आप ब्लैक एंड वाइट, क्लासिक, कलर, कोई भी इफ़ेक्ट चुन सकते हैं। सो ये इफ़ेक्ट्स देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर मैं आपको कुछ बेस्ट एडिटिंग ऐप्स के बारे में बता देता हूँ। एक है ये, जिसका नाम है साइमेरा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर मैं आपको एक दूसरी ऐप बताता हूँ, वो है ये यूकैम। ये भी मैंने इस्तेमाल की हुई है। इस वक्त मैं आपको अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ, मैंने जो भी अभी तक ट्राई की है वो सब ऐप के बारे में। फिर एक अच्छा ऑप्शन है कैंडी कैमरा। सो ये जो दूसरा है उसमें टाइप कीजिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये सब मैं कैमरा एडिटिंग की ऐप्स के बारे में बताता हूँ, जो फ़ोटो एडिटिंग होता है वो। फिर उसके अलावा भी एक है, अगर आपको भूत या ज़ॉम्बी की एडिटिंग करनी है तो उसकी एक बहुत बहुत अच्छी ऐप है, जिसका नाम है ज़ॉम्बी भूत लिखना है आपको। सो ये आ गया। ये ऐप बहुत ही रेयर ऐप है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप है। ये मैंने ट्राई की हुई है। सो इसकी मदद से हम ऐसे डरावने पिक्चर्स बना सकते हैं।
और ये पिक्चर्स को हम ऐसे टच करते हैं तो वो GIF इमेजेस से ऐसे बन जाता है। सो ये बहुत ही अच्छी ऐप है, देखिए ये भी रेटिंग भी अच्छी है। फिर मैं आपको एक और ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है देखिए ये आ गई, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो आप इन सब में से कोई भी ऐप ट्राई कर सकते हैं कैमरा एडिटिंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे की वीडियो में मैं आपको कुछ वीडियो एडिटिंग की ऐप्स के बारे में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब करिए मोर।